वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ट्रेंड पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड के विषय में। क्वेश्चन है हमारा एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर की एक सेना की दल है, सेना समूह है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, जिसको 32 मेंबर के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, पैदल यात्रा करना है इन अ परेड। आगे बोला है द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप्स को मार्च करना है और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको एससीएफ निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एससीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो हमको 616 मेंबर दिया गया है, इसको डिविडेंड मान लेंगे, और 32 मेंबर जो दिया गया है उसको मान लेंगे डिवाइजर। तो इसको डिवाइजर मान लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट ए इक्वल टू 616 एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। बहुत ही बेसिक तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, 32 से हम डिवाइड कर लेते हैं 616 को। तो देखो अगर हम ध्यान देखेंगे 32 टू जा कितना हो जाएगा, टेबल मान लीजिए हमको अगर नहीं याद है, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हो जाएगा। 64 क्या है, 61 से ज्यादा, इसलिए वन टाइम टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ 31 आया, 32 आएगा माइनस करने पर, यहाँ कह लेंगे 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना है 5 में 3 माइनस कर देंगे 2, 29 हो गया, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखो फिर से हमको 32 का टेबल आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 32 का हम टेबल पढ़ लेंगे 5 टाइम, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15 प्लस 1 16। अब देखो यहाँ पर 160 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 296 करेंगे, मतलब बहुत टाइम पढ़ सकते हैं, 9 टाइम पढ़ लेते हैं, 32 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 27 प्लस 1 28, 288 कहने का मतलब 9 टाइम हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 288, माइनस कर लेंगे तो यहाँ 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 16 में से 8 माइनस कर लेंगे हो जाएगा आपका 8, यहाँ बचा 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर भी 0। अब हमारा 8 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब जब भी रिमाइंडर आ जाता है तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेते हैं और डिवाइजर को डिविडेंड बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर बना लेंगे और इसमें डिवाइड कर लेंगे, 32 को डिवाइड कर लेंगे, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 हो गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो लास्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, एससीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके लिख लेते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए क्या हमारा डिविडेंट है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। तो यहां पर ए का मान हमने कितना माना, 616, और बी हमारा डिवाइजर कितना है 32, कोसेंट कितना आया था, कोसेंट कितना आया था, अगर हम 32 से डिवाइड किए थे तो कोसेंट हमारा कितना आया था 19, तो यहाँ पर 19 लिख लेंगे, और रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया लास्ट में 8। तो यहाँ हम देखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, और r डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम फिर से सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा डिवाइजर है उसको क्या बना लेंगे, डिविडेंट, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको क्या बना लेंगे, डिवाइजर। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम गया, यहाँ भी देख सकते हैं 8 से डिवाइड किए 4 टाइम गया, 8 रिमाइंडर था इसको डिवाइजर बना लिए हैं, अब डिवाइड करें 8 जा 32, रिमाइंडर कितना गया 0, रिमाइंडर 0 आया, यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू 0। जैसे ही आर की इक्वल टू 0 हो गया, एस सी एफ हमारा कितना हो जाएगा 4, कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा रफ कार है, लिखना आवश्यक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।